नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे यहाँ काफी अलग अलग प्रकार के मानसिक रुग्ण आते हैं और वो अच्छा होने के बाद में फिर अपनी राय, उनका उपचार कैसे हुआ इसके बारे में लोगों को जानकारी देते हैं। लोगों को इससे फायदा होना चाहिए इसलिए वो शेयर करते, तो उनके बारे में हम कुछ जान लेंगे। कुछ केस स्टडीज मैं आपके सामने दे रहा हूँ, तो आप देखिए। और इस तरह के पेशेंट भी अच्छे हो सकते हैं, इनकी प्रॉब्लम्स जो है वो अच्छी हो सकती है, वो अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो यह वीडियो देख के लोगों को शेयर करें। नमस्ते, आइए हम ओपीडी में चलते हैं। हमारे मैं अभी ओपीडी के पेशेंट देख रहा हूँ। ये जो मेरे सामने पेशेंट बैठे हैं, इनकी उम्र कितनी? 39 उम्र है और ये एक मिनट भी अपने हस्बैंड के सिवा नहीं रह सकते। कंटिन्यूस डर लगता है, धड़धड़ होने लगती है, अपना कुछ होगा, मुझे अटैक आएगा, ऐसा इनको लगता है। हर बात की चिंता लगी रहती है, उसके कारण नींद नहीं लगती। दिन के जो काम है, रूटीन की जो वर्क है, वो वर्क भी इनके डिस्टर्ब हो गए हैं। बराबर बोल रहा हूँ ना मैं? ऐसी है ना? हाँ, तो इनके वर्क भी डिस्टर्ब होते रहते हैं। हस्बैंड ड्यूटी पे जाते हैं, उनका भी ख्याल नहीं लगता कि घर पे कैसा चालू होगा, क्या होगा घर पे। तो ऐसी सब बातें इनको सताती है हरदम, कंटिन्यूस। आदमी जब घर से बाहर, ड्यूटी से घर पे आता है, तो उनका ये वही रोना रहता है कि आप जाओ मत बाहर, आप कहीं जाओ मत, अभी ड्यूटी पे तो नहीं लेके जा सकते है ना। आप ड्यूटी करते हो ना, ड्यूटी पे तो साथ में नहीं ले जा सकते हैं। लेकिन ऐसे टाइम में मैंने अभी क्या किया है कि इनको राधिका मैडम ने देखा है, अभी 8 दिन की दवाई दिया है और इनको मैंने सजेस्ट किया है हमारा काउंसिलिंग। इन्होंने अगर काउंसिलिंग किया तो एकदम बेटर रिलीफ इनको आ सकता है। काउंसिलिंग और हिप्नोटिज्म का जो सेशन है वो अगर इन्होंने किया तो इनको बेटर रिलीफ आ सकता है। मैं अभी आप इनसे बात ही कर रहा हूँ, तो आप ऐसा करो, काउंसिलिंग का हमारा सेशन रहता है। तो काउंसिलिंग का सेशन करो, इनको काफ़ी रिलीफ आएगा है ना। तो अभी 2 दिन की दवाई है तो 20% तो उनको अच्छा लग रहा है, ऐसा बोल रहे हैं वो। तो 20% सिर्फ 3 दिन हो गए, 3 दिन में 20% इनको रिलीफ है। तो मैंने अभी इनको सुझाव दिया है काउंसिलिंग और हिप्नोथेरेपी का। देखिए, अगर आपके आसपास में, आजू बाजू में कोई पेशेंट है तो उनको हमारे पास में भेजिए, क्योंकि पता नहीं रहता कि ये बीमारी है। इनको भी पता नहीं था कि ये कोई मानसिक आधार हो सकता है, मेंटल इलनेस हो सकता है। लेकिन इनको बाजू के रिलेटिव ने बोला कि ये मेंटल इलनेस के काबिल है, इनको दवा की ज़रूरत है, तब ये इनके पास में आए। हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये रहता है कि बहुत लोगों को पता नहीं रहता कि ऐसे भी मानसिक आधार, मेंटल इलनेस होते हैं। तो उसी की वजह से ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।